नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ LG की स्मार्ट इन्वर्टर 7KG टॉप लोड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के बारे में। तो ये रही सामने, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो सारे फंक्शंस हैं वो सामने की तरफ यहाँ पे दिए गए हैं आपको, ये देख लीजिए। ठीक है, कुछ मशीन्स में यहाँ पे बैक साइड में होता है, लेकिन इसमें फ्रंट में ही आपको ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं पावर ऑन। यहाँ से देख लीजिए, ये पावर का बटन है, इसको हमें ऑन कर देना है। ठीक है, और अब मैं आपको इसमें सबसे पहले बताने वाला हूँ कि हमें इसमें वॉश कैसे करना है। उसके बाद में मैं आपको बताऊँगा कि हमें वॉश, रिंस और स्पिन कैसे करना है, या फिर हमें सिर्फ अगर कपड़े सुखाने हैं तो वो कैसे करना है। ठीक है, सब मैं बता दूंगा इस वीडियो में, तो आप देखते रहिए। पहले इस मशीन के बारे में कुछ दिखा देता हूँ मैं। देखिए, ऐसे कुछ देखने में लगती है ये, और यहाँ पे देख लीजिए ऑटो रिस्टार्ट लिखा गया। इसका मतलब ये है अगर लाइट चली जाती है, ठीक है, बीच में ही फंक्शन सारे रुक जाते हैं तो, लेकिन आपको दोबारा सेट करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही लाइट वापस आएगी ये वहीं से रिस्टार्ट हो जाएगी जहाँ पे ये बंद हुई थी। ठीक है, ये बहुत अच्छी चीज़ इसमें है। और यहाँ पे देख लीजिए, इसमें आपको मिलता है स्मार्ट इन्वर्टर मोटर जो है उस पर 10 ईयर की वारंटी। और इधर साइड से देखेंगे तो यहाँ पे आपको इस तरीके से ग्रिप मिल जाएगी, इसको आप खिसकाने के लिए यूज़ कर सकते हैं इधर से उधर। और यहाँ पे मैं दिखाऊँ तो ये देख लीजिए, ये ग्रिप मिल जाती है आपको इधर साइड में। ठीक है, और यहाँ पे मैं बात करूँ इसके बैक साइड की, तो ये देख लीजिए, ये वाटर इनलेट है, यहाँ से पानी अंदर जाता है मशीन में। और नीचे देख लीजिए ड्रेनेज का पाइप ये लगा हुआ है। ठीक है, ये देख लीजिए, तो ये जो टैप है हमेशा ऑन करके रखेंगे तब भी सही है, अगर बंद भी कर सकते हैं यूज़ ना हो तब कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मेरा हमेशा ऑन ही रहता है ये टैप, और ये जब मशीन ऑन करता हूँ तो पानी अंदर ले लेती है अपने आप। तो दोस्तों ये है इसका पैनल, इसको ओपन कर लिया टॉप पैनल, और यहाँ पे देख सकते हैं मिल जाती है आपको डिटर्जेंट ट्रे, इसमें आप अपना डिटर्जेंट डाल सकते हैं। और ये पानी यहीं से गिरेगा तो पानी के साथ में ये घुल के नीचे पहुँच जाएगा। ठीक है, इसको बंद कर देते हैं, मैंने डिटर्जेंट इसमें डाल लिया। और यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ, ये देख लीजिए, ये है इस मशीन में इसका ये फिल्टर। ठीक है, ये आपको फिल्टर मिल जाता है, और इसके साथ ही साथ कुछ इस तरीके से देखने में ये अंदर से लगती है। तो अभी इसको बंद करते हैं और चला के दिखाते हैं आपको। ठीक है, तो सबसे पहले पावर ऑन हमने कर लिया है, उसके बाद में हमें क्या करना है, मैन्युअली भी आप कर सकते हैं। वाटर लेवल जो सिलेक्शन होता है ये मैन्युअली भी हो जाता है, और ये ऑटोमेटिक भी ले लेती है अपने अकॉर्डिंग। तो हमें जैसे मैन्युअली करना है, क्योंकि ऑटोमेटिक में पानी ज़्यादा ही ले लेती है कभी कभी, तो हमें क्या करना है मैन्युअली लेना है। अभी देख लीजिए, मैंने आपको दिखाने के लिए सिर्फ इसमें एक बेडशीट डाली है, डबल बेडशीट। ठीक है, डबल बेड की। तो इसको क्या करना है हमें, वाटर लेवल में यहाँ पे ये ऐसे बार बार प्रेस करेंगे तो कम ज़्यादा हो जाएगा। देखिए 9-10, ये 2 पे आ गया। ठीक है, मुझे 2 पे लेना है, एक बेडशीट के लिए 2 का ये जो लेवल है ये बहुत सफिशियंट रहेगा। उसके बाद में मुझे वॉश करना है, तो 10 मिनट के लिए या 13 मिनट के लिए, 14 मिनट के लिए, जैसे भी लेना है, इसको आप बार बार दबा के इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, रेंस करना है, रेंस का मतलब ये है कि कितनी बार आप इसको साफ पानी में धुलना चाहते हैं। जैसे मुझे 2 बार धुलना है, 3 बार धुलना है साफ पानी में। जैसे आप कपड़े बाहर धुल के बाथरूम में धुलते हैं तो बाल्टी से साफ पानी में बार बार धुलते हैं, वैसे ये भी पूछ रहा है कि मुझे 2 बार धुलना है। ठीक है, और यहाँ पे स्पिन कितना करना है, मुझे कितना सुखाना है, इसको मिड सुखाना है, हाई सुखाना है, या लो पे रखना है, या कतई नहीं सुखाना है। तो मुझे हाई सुखाना है, तो हाई पे ऐसे बार बार करेंगे आ जाएगा, हाई पे आ गया 48 हो गया। ठीक है, इसके बाद में हमें यहाँ पे इसको स्टार्ट कर देना है। ये लीजिए, ये हो गया स्टार्ट। अभी थोड़ी देर में ये मशीन घूमने लगेगी और अपना सारा प्रोसेस ख़त्म करेगी। ठीक है, और हमें कपड़ा ये जो है बेडशीट सुखा के देगी। अब मैं बता देता हूँ आपको कि हमें अगर इसको पहले स्टॉप करते हैं, हमें अगर सिर्फ वॉश करना है तो वॉश करने के लिए सिर्फ हमें क्या करना रहेगा, वाटर लेवल लेना है पहले यहाँ से। ये नहीं भी लेंगे तब भी ऑटोमेटिक ले लेगी, 3 पे ले लिया या 2 पे, जो भी लेना है। और हमें सिर्फ वॉश लेना है, 14 मिनट के लिए वॉश लिया, उसके बाद में रेंस नहीं करना है। तो इसको हमें ये देखिए हटा दिया लाइट को, ऐसे बार बार दबाएंगे, ये भी ड्राई भी नहीं करना है, तो ये भी हो गया 17 मिनट। ठीक है, तो ये 17 मिनट आ गया, इसको प्ले कर देंगे, सिर्फ वॉश करेगी बस और कुछ नहीं करेगी। ये प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। और अगर हमें ये धुला धुलाया कपड़ा है, मान लीजिए इसमें हमने धुला धुलाए कपड़े डाल दिए, हमें सिर्फ ड्राई करने हैं, तो उसके लिए क्या करना रहेगा, ये देख लीजिए, यहाँ पे ये स्पिन वाले बटन पे सिर्फ हमें ऐसे प्रेस करना है, कुछ नहीं करना है। स्टार्ट करने के बाद में हाई पे ले लिया हमने या लो पे ले लिया, जैसे भी लेना है, जैसे हाई पे लेना है हाई पे ले लिया, बस स्टार्ट कर देंगे। 13 मिनट का टाइम दिखा रहा है, जो प्रोसेस लेंगे उसी हिसाब से टाइम दिखाएगा। सिर्फ हमें ड्राई करना है तो 13 मिनट में ये हाई पे ड्राई हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, और आप क्या बता सकते हैं, और
सारे प्रोसेस करने एक साथ, तो मैंने बताई दिया यहाँ से आप चालू करिए वाटर लेवल, फिर वॉश, फिर रेंस, फिर स्पिन, तो सारे आपके कपड़े धुल के सुखा के आपको देगा, ठीक है। अगर सिर्फ सुखाने हैं तो स्पिन का यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। ये चीज़ है तो आपने समझ गए। और एक चीज़ और सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो मैं आपको बता दूँ, पहले इसको बंद करता हूँ, ये देख लीजिए। अगर आपके कपड़े बहुत गंदे हैं, जीन्स वगैरह आप यूज़ कर रहे हैं, तो आप इसको नॉर्मल में ना लीजिए। सबसे पहले आप इसका मोड चेंज करिए, इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। आप इसको प्रोग्राम में जाके ये स्ट्रॉन्ग में लगा दीजिए, देख लीजिए इस पर लिखा है जीन्स, स्ट्रॉन्ग में लगाएंगे, उसके बाद में ये सारे फंक्शन लीजिए, ये आप लीजिए, फिर ये लीजिए, जो भी आपको लेना है इस तरीके से, ठीक है। स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे तो कपड़े अच्छे से साफ नहीं होंगे। बहुत लोग पूछते हैं मेरे कपड़े साफ़ नहीं हो रहे, उसके लिए क्या करना, तो आपको ये मोड जो है ना, ये मोड, ये नॉर्मल, जेंटल, क्विक वॉश, ये स्ट्रॉन्ग, ये सारे मोड पे ध्यान देना है। जैसे कपड़े हों उस हिसाब से ये मोड लगाने हैं, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके पास टाइम नहीं है, फटाफट कपड़े धुलने चाहते हैं, ज़्यादा गंदे नहीं है, तो आप कुछ नहीं करिए, सिर्फ क्विक वॉश पे लगा दीजिए 22 मिनट में, ये कम पानी में 3 मिनट के लिए धुल के और रेंस कर देगा, फिर लो पे ड्राई कर देगा, 22 मिनट में आपका प्रोसेस हो जाएगा फटाफट, ठीक है। ये भी आप कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमें अभी फ़िलहाल सारी चीज़ें हमने आपको समझा दी हैं, और ऐसे आप अपने मशीन को यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया मशीन है, LG की 7KG स्मार्ट इन्वर्टर टॉप लोड वॉशिंग मशीन, फुल्ली ऑटोमेटिक है ये। तो अगर आपको ये मशीन अच्छी लगी है, इसका रिव्यू अच्छा लगा है, तो आप अगर परचेज करना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ पर जाके क्लिक करके इस मशीन को ऑर्डर कर सकते हैं और अपने लिए भी खरीद सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय दोस्तों।